नमस्कार, मैं हूं नमिता। बिग न्यूज 9 में आपका स्वागत है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट अप्रैल महीने में जारी करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए कॉपियों की जांच का काम काफी तेजी से निपटाया जा रहा है। इंटर की कॉपियों की जांच आज पूरी कर लिए जाने की उम्मीद है। वहीं मैट्रिक की कॉपियों की जांच भी 24 मार्च तक पूरी कर लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बोर्ड ने सभी स्कूलों से प्रायोगिक परीक्षा की अंक तालिका भी मांग ली है। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में इंटर तो आखिरी हफ्ते में मैट्रिक का रिजल्ट भी आ सकता है। जो बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर, वो चाहते हैं कि उनका बोर्ड देश में सबसे पहले रिजल्ट जारी कर दे। 15 मार्च तक ही पूरी कर लेनी थी इंटर की कॉपियों की जांच। बता दें कि इंटर की कॉपियों की जांच अवधि बढ़ा दी गई है। पहले इसके लिए 15 मार्च की अवधि निर्धारित की गई थी, लेकिन अब बोर्ड ने इसे बढ़ाकर 19 मार्च तक कर दिया है। अब इंटर की कॉपियों की जांच शुक्रवार तक की जाएगी। बोर्ड को मिली सूचना के अनुसार अभी भी कई केंद्रों पर कॉपियों की जांच नहीं हो पाई है। इंटर की परीक्षा में 13.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। प्रधान परीक्षक को प्रतिदिन 600 रुपया मिलेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर की कॉपियों की जांच करने वाले प्रधान परीक्षकों के लिए प्रतिदिन 600 रुपये परिश्रामिक निर्धारित किया है। वहीं 25 अंकों वाली कॉपी जांच करने पर परीक्षकों को बोर्ड द्वारा प्रति कॉपी 12 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 25 से अधिक अंकों की कॉपियों की जांच करने पर परीक्षकों को 15 रुपये प्रति कॉपी दी जाएगी। मैट्रिक की कॉपियों की जांच करने पर शिक्षकों को 14 रुपये प्रति कॉपी प्रदान की जाएगी। शिक्षकों के दूसरे जिलों में कॉपियों की जांच करने पर बोर्ड द्वारा 300 रुपये ठहराव भत्ता एवं पटना में 400 रुपये प्रदान किया जाएगा। इंटर की परीक्षा में 13.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 24 तक होगी मैट्रिक की कॉपियों की जांच। बता दें कि बिहार बोर्ड की तरफ से मैट्रिक की कॉपियों की जांच 24 मार्च तक की जाएगी, यह बताया जा रहा है। पिछले 12 मार्च से कॉपियों की जांच चल रही है। वहीं मैट्रिक की परीक्षा में 16,84,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे चैनल के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज को लाइक कीजिए। शुक्रिया।